आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ निहारिका और आप देख रहे हैं खबर एंड। आज हम आए हैं नोएडा के स्टेडियम में। इसकी लोकेशन कुछ यूं है, यहाँ का पास का मेट्रो स्टेशन है सेक्टर 16 और सेक्टर 18। ये मौजूद जो है जगह है 1222, वहाँ पर ये मौजूद है। और स्टेडियम में आप नवरात्रि की चहल पहल देख सकते हैं। ये जगह को देख कर ही आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितनी रौनक है। लोगों का यहाँ पर मेला लगा हुआ है, लोग यहाँ पर कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और वह अपने उत्साह को एक अलग तरीके से दिखा रहे हैं। कोई झूलों पर झूल रहा है तो कोई अलग अलग खाने को खाकर उसका स्वाद ले रहा है। बच्चों की चहल पहल तो कुछ अलग ही है। आइए लोगों से बात करते हैं और उनका उत्साह जांचते हैं। तो क्या नाम है आपका? विवेक अग्रवाल। कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली जमुना बाजार। तो आप हर साल आते हैं यहाँ पर? जी नोएडा स्टेडियम में आप हर साल आते हैं? जी हर साल आते हैं। कैसा लग रहा है आपको, कैसा माहौल लग रहा है यहाँ? बढ़िया लग रहा है, लेकिन इस बार झूले बड़े कम दिख रहे हैं मेरे को। झूले कम है तो सुरक्षा के बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ पे सुरक्षा है सही से? झूलों वगैरह सुरक्षा भी, मैं अंदर आ रहा था तो मेरे को चेकिंग करी, मेरी बढ़िया करी। तो लोगों का उत्साह सही तरीके से दिख रहा है ना यहाँ पे आपको? कोई कमी वगैरह? अभी तो खैर पहला दिन है तो मेरे ख्याल से कमी है, बाकी देखते हैं आगे। बाकी आप रामलीला पूरा एंजॉय करके जाएंगे या फिर बस? ना पूरा झूले हुए सब झूल के जाएंगे। थैंक यू। जहाँ बैठने का बंदोबस्त है पास ही में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खाने का भी सारा इंतजाम किया गया है। यहाँ लोग खा भी सकते हैं और रामलीला का मजा ले सकते हैं। यही नहीं, यहाँ पर पास में झूले भी लगाए गए हैं ताकि बच्चे अगर जरा भी रामलीला से परेशान हो तो वो यहाँ पर जाकर रामलीला में मजा इंजॉय करते करते वो झूला भी झूल सकते हैं। माँ बाप का तो क्या है, उन्हें तो रामलीला समझ भी आती है, वही जो बच्चे होते हैं वो थोड़े से परेशान होने लगते हैं। तो इसी बीच यहाँ पर झूलों का भी इंतजाम कर दिया गया है बड़े बढ़िया तरीके से। जिस तरीके से यहाँ पर बैठने और खाने का इंतजाम है वैसे ही झूलों का भी है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर रामलीला मैदान के पास ही यहाँ झूले भी लगाए गए हैं और अच्छे से झूलों के पास सुरक्षा का माहौल भी बनाया गया है। सारे गार्ड्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो वो तुरंत ही झूलों को रोका जा सकता है। और देख सकते हैं आप कितने सारे लोग यहाँ पर हैं जो झूलों का मजा लेना चाहते हैं और झूलों को झूल कर उनका आनंद लेना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? माय नेम इज प्रणव। कहाँ से आए हैं आप? मैं यही कहूँ सेक्टर 22 नोएडा। हर साल आप आते हैं यहाँ पे नवरात्रि का? सही काफी ये काफी पुराना यहाँ पे लगता है ये फेस्टिवल के लिए मेला। और ये काफी टाइम से, मतलब मुझे तो 10 साल हो गए, मैं रेगुलर आता हूँ। ऐसे मैं रहने वाला झारखंड का हूँ, जमशेदपुर। तो हर साल ऐसी ही रौनक होती है या फिर इससे ज्यादा होता है? इस बार कुछ ज्यादा बेहतर मुझे लग रहा है, बिकॉज काफी स्टॉल नए हैं और काफी बच्चों के लिए अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। ये इस बार तो ये भी लगाया गया है अंडर फिश अंडर वाटर टनल भी लगाया गया, कैसा लग रहा है? ये तो फर्स्ट टाइम आया है, इससे पहले तो मैंने नहीं देखा है, पर ये फर्स्ट टाइम है। तो आप इसे भी इंजॉय करके जाएंगे? जी बिल्कुल, मेरा एक छोटा 5 साल का बेटा है तो मैं। आप अपनी फैमिली के साथ आए हैं? ओके थैंक यू सर। यहाँ पर जो है इस बार नोएडा के स्टेडियम में पहली बार जो यहाँ पर चीज आई है वो ये है अंडर वाटर फिश टनल। आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस फिश टनल की जो टिकट है वो 100 रुपए की है और यहाँ पर आप मछलियों का आनंद ले सकते हैं, मतलब मछलियों को आप देख सकते हैं पानी के अंदर। ये अंदर से कैसा है ये तो आपको यहाँ पर आकर ही पता चलेगा। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों की इतनी भीड़ है यहाँ पर, इतने सारे लोग भीड़ जमा है, इतनी ज्यादा भीड़ लोगों की जमा है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार की रौनक कुछ अलग ही है स्टेडियम में। वैसे कि अभी बताया गया कि मतलब हर साल लोग यहाँ पर आते हैं और इस रामलीला का यहाँ पर मजा लेते हैं और इसी तरीके से यहाँ पर लोगों की भीड़ आती है और बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय करते हैं लोग, अपने बच्चों के साथ आते हैं, अपने परिवारों के साथ आते हैं। तो क्या नाम है आपका? पुनीत चौहान। कहाँ से आए हैं आप? मैं आगरा से। आप आगरा से यहाँ पर मेला देखने के लिए आए हैं? नहीं, अपना ये शॉप है। अच्छा, यही वाली शॉप आपकी है? अच्छा, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर शॉप लगा? अभी तो थर्ड डे है, पता नहीं क्या रहेगा आगे। आपकी शॉप यहाँ पर नौ पूरे 9 दिन रहेगी? पूरे 9 दिन आपकी शॉप यहाँ पर रहेगी?
क्या आपकी शॉप पर है? क्या आपकी शॉप पर? मेरी शॉप में 10 आइटम है। तो आप ये बताइए, आपकी शॉप का सबसे जो सबसे ज्यादा बिकता है आइटम वो कौन सा है? पाव भाजी। अपनी शॉप का एक बार नाम बता दीजिए। आगरा चाट कॉर्नर। ओके, तो आपको मेला कैसा लग रहा है? आपने मेला घूमा? मेला अच्छा है। मेला अच्छा है, पर कैसी आपको रौनक लग रही है यहाँ पे? कैसी रौनक आपको लग रही है? रौनक कैसी लग रही है आपको लोगों का? यही लग रहा है सारा। झूले वगैरह झूले आपने? झूले तो मैं झूलता ही नहीं। ओके, तो बच्चे वगैरह है आपके साथ? जो आपके बच्चे घर वाले हैं वो लेकर आए हैं आप उनको? नहीं, मेरी फैमिली नहीं है, मदर फादर रहते वो उधर ही आगरा में। ओके, थैंक यू। नमस्कार, कहाँ से आए आप? मैं नोएडा से आया हूँ, इसी जगह से आया हूँ। कैसा लग रहा है आपको मेले में? मैडम, और मेला में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, रौनक भी अच्छे है, हर चीज अच्छा है। दशहरा का मेला है, ये तो हम लोग हिंदुओं का त्योहार है, ये चीज, ये तो रौनक ही रौनक रहेगा 10 दिन के लिए। और जब तक हम लोग हिंदू लोग ये नहीं मनाएंगे तो और कौन मना सकते। आपकी वाइफ भी आपके साथ आई है? है? आपकी पत्नी है ये आपके साथ? ये हमारी पत्नी है। आपको कैसा लग रहा है मेले मेले में आके? आपको कैसा लग रहा है? मेला में अच्छी लग रही है ना? अच्छा लग रहा है। तो दोनों साथ ही में आए, बच्चे वगैरह? बच्चे मेरा 3 है, 2 लड़की है, 1 लड़का है। इसीलिए मैं देखने के लिए आया था यहाँ पे, क्या माहौल है, क्या कैसी है। रामलीला देखने के लिए आए थे। तो रामलीला कब से शुरू होगी दर्शकों को बता? 8 बजे से शुरू होगी। 8 बजे से रामलीला यहाँ पे शुरू हो जाएगी। सुरक्षा कैसी है यहाँ पर? बच्चे लोग आएंगे, कोई परेशानी तो नहीं होगा ना यहाँ पर? तो मतलब अभी परेशानी की तो दिक्कत नहीं दिख रहा है, फिर भी अभी ठीक है माहौल। 10वीं का दिन थोड़ा परेशानी दिखता है, बाकी और तो ठीक है। भगदड़ वगैरह भी मच जाती है क्या? हाँ, 10वीं का दिन थोड़ी भीड़ रहता है ना, इसी के लिए भगदड़ पड़ता है। खाना वगैरह आपने चटकारे लेकर खाया? प्रशासन ने बहुत सख्त किया है। खाना वगैरह आपने चटकारे लेकर खाया इस बार? क्या जी? खाना वगैरह खाया सही तरीके से? अभी तो मैडम आ ही रहा हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू। लड़ाई ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लोगों की लड़ाई हो रही है, बच्चे आपस में लड़ रहे हैं झूले के लिए। अब लड़ाई की बात तो हुई है तो भगवान जाने, मगर यहाँ जो लड़ाई हो रही है वो बड़ी बड़ी। लाइटें भी बहुत सही तरीके से यहाँ पर लगाई गई है, बहुत ही अच्छा इंतजाम किया गया है। आप भी अपने परिवार के साथ यहाँ पर आइए और मेले का लुत्फ उठाइए, मेले का मजा लीजिए, और सभी लोग मिलजुल कर रहिए। और यहाँ पर आप जरूर आइए और मेले का मजा लेकर अच्छा अच्छा खाना खाइए और खुश रहिए। धन्यवाद।